CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 9 के लिए उर्दू की पाठ्य पुस्तक नवाए उर्दू भाग 1। आइए सुनते हैं नवाए उर्दू भाग 1 का 20वां सबक। मीरा जी, सफा नंबर 162, तारुफ़े शायर मीरा जी, 1912 ईस्वी से 1949 ईस्वी तक। मीरा जी का असली नाम मोहम्मद सनाउल्ला डार था। वो एक कश्मीरी खानदान में गुजरांवाला पंजाब में पैदा हुए। उनका ज्यादा वक्त लाहौर, दिल्ली और मुंबई में गुजरा। वो इंतहाई ज़हीन इंसान थे। मुताले का उन्हें बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ ज़बानों की शायरी का मुताला किया, तराजिम किए और मजामीन लिखे। वो लाहौर की एक मशहूर अदबी अंजुमन हलकाए अरबाब ज़ौक़ के बानियों में थे, जिसने बहुत से जहनों को मुतासिर किया और शायरी में जदीद रुझानात को फ़रोग़ दिया। उन्होंने अख्तरुल ईमान के साथ मिलकर रिसाला ख़याल निकाला, जिसके चंद ही शुमारे शाये हो सके। मुंबई में ही उनका इंतकाल हुआ। मीरा जी की नज़मों के कई मजमूए, मसलन मीरा जी की नज़में और गीतों का मजमूआ गीत ही गीत उनकी ज़िंदगी में शाये हुए। एक मजमूआ पाबंद नज़में और इंतखाब तीन रंग बाद में शाये हुए। बहुत बाद में पाकिस्तान से कुल्याते मीरा जी, मुरत्तब जमील जालबी और बाक़ियाते मीरा जी, मुरत्तब शीमा मजीद शाये हुए। नस्र में दो किताबें मशरक़ व मग़रिब के नगमे और इस नज़्म में मारूफ हैं। जदीद तनकीद में भी मीरा जी का नाम बहुत बुलंद है। उन्होंने नज़्म का तज़्ज़िया लिखने की एक नई रस्म को फ़रोग़ दिया। हिंदुस्तान और यूरोप के नए पुराने शायरों पर बहुत अच्छे मजामीन लिखे। मीरा जी की बहुत सी शायरी में जिनसी ख़यालात और तजर्बात पेश किए गए हैं। सफ़ा नंबर 163। सुख की तान, शायर मीरा जी। अब सुख की तान सुनाई दी, एक दुनिया नई दिखाई दी। अब सुख की तान सुनाई दी, एक दुनिया नई दिखाई दी। अब सुख ने बदला भेस नया, अब देखेंगे हम देश नया। जब दिल ने राम दुहाई दी, एक दुनिया नई दिखाई दी। इस देश में सब अनजाने हैं, अपने भी यहां बेगाने हैं। पीतम ने सबसे रिहाई दी, एक दुनिया नई दिखाई दी। हर रंग नया, हर बात नई, अब दिन भी नया और रात नई। अब चैन की राह सुझाई दी, एक दुनिया नई दिखाई दी। अब अपना महल बनाएंगे, अब और के दर पे ना जाएंगे। एक घर की राह सुझाई दी, एक दुनिया नई दिखाई दी। एक घर की राह सुझाई दी, एक दुनिया नई दिखाई दी। सफ़ा नंबर 164। मश्क, लफ्ज़ोमानी। तान, सुरीली आवाज। राम दुहाई, अल्लाह की पनाह। पीतम, महबूब शौहर। दर पे ना जाना, किसी और के आगे हाथ ना फैलाना। गौर करने की बात, इस नज्म में एक सीधी सादी हिंदुस्तानी लड़की के जज्बात व एहसासात की तर्जुमानी की गई है, जो एक नई जिंदगी के अरमान लिए हुए है, जिसमें वो अपना नया घर बसाने का ख्वाब देखती है और गुनगुनाती है। ये गीत सादा जबान में लिखा गया है, जो पुरतासीर भी है। सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, इस गीत में लड़की किस नई दुनिया में कदम रख रही है? सवाल नंबर 2, अब सुख ने बदला भेस नया से क्या मुराद है? सवाल नंबर 3, अपना महल बनाना और दूसरों के दर पे ना जाना के क्या मायने हैं?
सफा नंबर 165। अमली काम। इस गीत को बावाजे बुलंद पढ़िए। इस गीत के पहले बंद को खुशखत लिखिए और उसका मतलब भी लिखिए। गीत को जबानी याद कीजिए। इसी के साथ नवाए उर्दू भाग एक का 20वां सबक यहाँ खत्म हुआ। इसके बाद सबक 21 आता है। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।